welcome back to my channel and hope you all are doing very well. So guys, today's video is for the ones who have chosen a wrong foundation for their skin. Yes guys, you heard me right. So अक्सर कई बार ऐसा होता है ना कि हम cosmetic product, for example foundation ले लेते हैं online, okay? अब स्क्रीन में वो कुछ और टोन दिखाता है और जब वो आता है हमारे पास और जब हम अपने स्किन पे उसका अप्लाई करते हैं तब वो थोड़ा अलग दिखता है. तो इन यू नो गाइस, फाउंडेशन एक ऐसा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो अगर आपकी स्किन टोन से पूरा मैच ना करे ना तो पूरा मेकअप का जो बेस होता है ना वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है. बिकॉज फाउंडेशन इज द बेस ऑफ योर मेकअप, इट नीड्स टू बी परफेक्ट. इफ द बेस इज नॉट परफेक्ट, कुछ परफेक्ट नहीं होने वाला. सो इट नीड्स टू बी परफेक्ट गाइज. एंड कई बार एक्चुअली ऐसा होता है ना, मतलब कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स एंड कुछ चोजन प्रोडक्ट्स में हमें रिटर्न रिप्लेसेबल ऑप्शंस नहीं रहते. सो उस टाइम अगर आपके पास गलत फाउंडेशन आ गया है एंड यू नो यू आर जस्ट लाइक पैनिकिंग की ओह गॉड, आई हैव रिसीव्ड अ रॉन्ग फाउंडेशन व्हिच इज लाइक one shade brighter or lighter as compared to my skin tone and what to do, guys, no need to panic because agar problem hai to solutions bhi hai guys. So aaj ka video un logo ke liye hai jinhone by mistake agar wrong foundation order kar diya hai ya le liya hai and they don't know what to do with their foundation bottle because they are not just returnable and replaceable anymore. So guys, actually mere sath bhi aisa hua tha. I had ordered a wrong shade of foundation and this is the foundation, if you can see guys. So this is the foundation which I had ordered and ye mere skin tone se, if I say, you know, I would actually say it gives my skin a yellowish pale touch. सो मेरा जो स्किन टोन है ना गाइज, इट इज इट्स अ पिंक फेयर, पिंकिश फेयर का टोन है मेरे स्किन का. एंड बट व्हेन आई अप्लाई दिस गिव्स मी अ शेड ऑफ येलो ऑन माय स्किन, अ टैन येलो इफ आई से मोर स्पेसिफिक. सो एंड गाइज, दिस इज शेड नंबर 228 सॉफ्ट टैन. सो गाइज, जब मैंने ये स्क्रीन में देखा था तब मुझे ये बहुत सही लगा था. बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका यू नो फाउंडेशन बहुत ब्राइट है बिकॉज फिर आप चुड़ैल लगोगे. तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब ऐसे लिया देखकर, बट यार ये तो गलत आ गया. मतलब ऐसे पूरे फेस में लगाऊंगी ना तो मैं पूरी येलोइश दिखती हूँ. तो मैं अपने स्किन में करती हूँ इज दैट आई यूज दिस बॉटल ऑफ फाउंडेशन एज कंटूर और आई यूज इट एंड आई ऑल्सो यूज इट एज यू नो न्यूड शेड ऑफ ब्लश. यस गाइज, मैं उसको अपने चिक्स में भी अप्लाई करती हूँ और कभी कभी इसको कंटूर के लिए भी अप्लाई करती हूँ. इफ आई एम गोइंग विद अ न्यूड मेकअप या मुझे अगर थोड़ा सा न्यूड ब्लश्ड लुक चाहिए गाइज रेगुलर लुक के लिए, तो मैं ये यूज करती हूँ गाइज. एंड वट आई डू इज आई डू नॉट डिरेक्टली अप्लाई दिस बिकॉज ये थोड़ा सा डार्कर है ये वाला शेड जो है. सो गाइज, दिस इज द बोरोलिन. ओके, सो ये सब पे घर में रेडली अवेलेबल है, होप्स होना तो चाहिए बिकॉज इट इज वेरी कॉमन प्रोडक्ट. सो सो व्हाट आई डू इज दैट आई एम गोना मिक्स दिस फाउंडेशन विद दिस बोरो आफ टेकन. सो गाइज, यू कैन सी यू नो दिस फाउंडेशन और मेरा स्किन. तो मैंने थोड़ा सा बोरोलिन ले लिया है. मुझे उतना बोरोलिन लेना है जितना मुझे इस शेड को लाइटर बनाना है. ओके, रिमेम्बर इट गाइस. नाउ एज एम आई यूजिंग इट एज अ ब्लश्ड न्यूड, सो मैं उतना ज्यादा नहीं लेने वाली. तो मैंने इतना थोड़ा सा क्वांटिटी लिया. आई एम गोना मिक्स इट ओवर हियर नाउ. As you can see, वो पहले का स्किन टोन आप कंपेयर कर सकते हो और जब मैंने इसको मिक्स किया है तब ये कैसा लग रहा है. यू कैन कंपेयर बोथ द शेड्स. सो आई हैव मेड इट लाइटर गाइज एंड व्हाट आई एम गोना डू इज नाउ आई एम गोना पुट इट ऑन माई स्किन एज अ ब्लश्ड न्यूड. सो
nude blush actually. गाइज एक्चुअली मैंने अपना कोई फेस मेकअप अभी किया नहीं है, मैंने इसे अपना आईब्रोज और आंखों में थोड़ा सा बस काजल ही लगाया है, मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, सो यू कैन डू बेस मेकअप अब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं. सो व्हाट आई एम गोना डू इज विद अ स्पॉन्ज आई एम गोना ब्लेंड इट ऑन माय चीक्स. Guys, if you see, I've got this soft nude or the soft tan look on my cheeks. So, I have mixed it with Boraline and done it, guys. And if I want to use it as a contour, I can do this. Taking a small amount on my hand. Because contour ke liye zyada nahi chahiye, guys. And yes guys, one more substitute of Boraline is that अगर आपके घर में Boraline नहीं है तो फिर guys if you're having a Vaseline this then you can ease so then you can use this Vaseline instead of Boraline at ease. There is no issue. Vaseline use करने का एक advantage जो आपको मिलता है is you're gonna get a shimmering और यू कैन गेट यू कैन गेट अ शाइन ऑन. इफ यू आर यूजिंग Boraline तो Boraline यूज करने के एडवांटेजेस विद द फाउंडेशन इज दैट इट विल इवनली एंड गिव यू अ स्मूथिंग इफेक्ट एट द एंड ऑफ योर फाउंडेशन एप्लीकेशन एंड इट विल ऑल्सो यू नो इवनली स्प्रेड ऑन ऑल द इफ यू हैविंग पोर्स इफ यू हैविंग ओपन पोर्स ऑन योर चीक्स एंड इफ यू वर्ड अबाउट दैट लाइक बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है ना गाइस कि अगर ओपन पोर्स होते हैं तो कुछ ऐसे फाउंडेशन उस पूरे पोर्स को अच्छे से कवर नहीं कर पाते. तो गाइस इफ आई अप्लाइंग द फाउंडेशन विद दिस Boraline देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट इश्यू बिकॉज इट्स गोइंग टू कंप्लीटली एंड इवनली स्प्रेड ऑन टू योर चीक्स इफ आई यूजिंग Boraline. दिस आर द ट्रिक्स एंड टिप्स इफ यू हैव चोजन अ रॉन्ग शेड ऑफ फाउंडेशन लाइक मी. If you like my video, please don't forget to subscribe to my channel, like and share, and please do comment.